टीवी पर राज कर रहा शो अनुपमा में अब तक हमने देखा कि कैसे अनुपमा और अनुज की शादी से नाखुश वनराज उनके लिए मुसीबत बनकर अड़चने खड़ी कर रहे थे ताकि अनुज और अनुपमा कभी एक ना हो सके। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आज अनुपमा और अनुज की शादी से नाखुश इसी वनराज ने खुद इनकी शादी के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है, जिसे देख कर घर के सभी लोग हैरान रह गए हैं। तो क्या वाकई वनराज अनुपमा और अनुज की शादी के लिए मान गए हैं या ये इनकी नई चाल है? आज हम आपको इसी न्यू अपडेट के बारे में बताएंगे, पर इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जैसे कि हम जानते हैं कि वनराज ने अपनी पत्नी अनुपमा को सारी उम्र दुख दर्द के अलावा कुछ भी नहीं दिया है और उसे धोखा देकर खुद ने काव्या से दूसरी शादी की है। लेकिन आज जब अनुपमा ने अपने 26 साल पुराने आशिक अनुज कपाड़िया से शादी करने का फैसला किया है तो वनराज पूरे तरीके से जलकर राख हो गए हैं और इसलिए अनुपमा अनुज की शादी में नई नई मुसीबतें लाकर इनकी शादी रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों कभी एक दूसरे के ना हो सकें। लेकिन आज खुद वनराज ने अनुपमा और अनुज की शादी के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है, जिसे देखकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई है और सभी खामोश रह गए हैं। जी हाँ, क्योंकि शाह हाउस का एक एक सदस्य वनराज की हरकतों से अच्छे से वाकिफ है, इसलिए उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि खुद वनराज ने अनुपमा अनुज की शादी के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। इसीलिए घर के सभी सदस्यों ने वनराज से पूछा, क्या सच में तुम अनुपमा और अनुज की शादी के लिए तैयार हो? तो वनराज ने कहा, अनुपमा जैसी भी है अच्छी है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है। वनराज की बात सुनकर लीलाबा शॉक हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि आखिर वनराज को आज हो क्या गया है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई वनराज को अब अनुज अनुपमा की शादी से कोई दिक्कत नहीं है या ये वनराज की कोई नई चाल है। तो दोस्तों, आप कितने बेताब हैं अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी लेटेस्ट खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।